बच्चों, एक बार फिर से टॉपर बैच के नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, ये जो टॉपर बैच 2024 के लिए चलाया जा रहा है, यदि आप लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए। ये जो टॉपर बैच है, इस टॉपर बैच में यानी टॉपर बैच बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो चलाया जा रहा है, यदि आप इस टॉपर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिए। आपको जुड़ने का प्रोसेस बता दिया जाएगा। ये टॉपर बैच बिल्कुल मुफ्त है। ये जो टॉपर बैच 2024 के लिए चलाया जा रहा है, इसमें आप लोगों को केमिस्ट्री की फुल तैयारी यानी पूरे सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। रोज डेली क्लास दिया जाएगा आपको। प्रत्येक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो अभी तक पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों की श्रृंखला आप तक पहुंचाई जाएगी। सभी इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न आप तक पहुंचाए जाएंगे। जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो उससे आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट में जो नंबर एक पे आएंगे यानी फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे, उनको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ बुक गिफ्ट किया जाएगा। अब यदि आप इस टॉपर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो कुछ नहीं, एकदम फ्री में आप जुड़ सकते हैं। शुरू के 500 सब्सक्राइबर के लिए सब कुछ जो अभी हम बताए हैं या इस पर जो लिखा गया है 10 मॉडल पेपर सहित, ये शुरू के 500 सब्सक्राइबर को फ्री में मिलेगा। बस उनको करना क्या पड़ेगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर दिए गए नंबर पर WhatsApp करना होगा। यदि WhatsApp करते हैं हमें तो जिस नंबर से WhatsApp करेंगे उसी नंबर पर ठोस अवस्था यानी पहले चैप्टर का PDF यानी हैंड राइटिंग नोट का, जो कल के वीडियो में यानी पिछले वाले वीडियो में वो पूरा नोट्स आप लोगों को दिखाया गया है, उस नोट्स का PDF उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको तुरंत मिल जाएगा। और यदि आप लोग और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं हमसे जुड़कर, कि वे भी प्रश्न जो IIT या CPMT में भी पूछे जाते हैं उनका PDF चाहिए, या प्रत्येक चैप्टर से जो कंपटीशन में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसका PDF चाहिए, वह प्रश्न चाहिए, तो उसके लिए आपको मात्र पूरे साल भर के लिए 99 रुपया पे करना पड़ेगा। 99 रुपया कैसे पे करेंगे? जब आप हमारे व्हाट्सएप करेंगे कि हमको इस बैच में जुड़ना है, हमको सब कुछ चाहिए, तो आपको वहाँ प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आप 99 रुपया जब हमको पे करेंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर किस प्रकार से जोड़ेंगे, और सब कुछ मटेरियल आपको टेलीग्राम पर मिलता रहेगा। और यदि आप लोग ये भी नहीं देना चाहते हैं तो एकदम फ्री है, आप लोग सब्सक्राइब करिए, उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजिए, व्हाट्सएप करिए, और उसी व्हाट्सएप नंबर पर सब कुछ आपको मिलता रहेगा, PDF मिलता रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहेगी, इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न मिलते रहेंगे, 10 मॉडल पेपर जो अभी जुलाई से दिए जाएंगे या जून से दिए जाएंगे एक एक मॉडल पेपर करके, वो मॉडल पेपर भी आपको उसी नंबर पर है मिलता रहेगा। आज ये ठोस अवस्था का दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्रिस्टली ठोस के संरचना के आधार पे कितने प्रकार के हो जाने, क्रिस्टली ठोस संरचना के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं उसके प्रकार का वर्णन करेंगे, उदाहरण सहित बंद के आधार पर क्रिस्टली ठोस कितने प्रकार के होते हैं उसका अध्ययन करेंगे, क्रिस्टलीय जालक क्या होता है, एकक कोष्ठिका क्या होता है, प्रत्येक एकक कोष्ठिका में कितने प्रकार के परमाणु रह सकते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर यानी इन सभी प्रकार का अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। आप लोग धैर्य बनाकर बैठिएगा, कॉपी पेन की सहायता से नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे ये जो टॉपर बैच है इसका जो लक्ष्य है 95 नंबर रखा गया है, वो 95 नंबर आप बोर्ड परीक्षा 2024 में आसानी से केमिस्ट्री में पा सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें बताया क्या जाएगा कि संरचना के आधार पर ठोस के प्रकार, हेडिंग क्या है आपका, संरचना के आधार पर ठोस के प्रकार। तो संरचना के आधार पर किसके आधार पर है, संरचना के आधार पर ठोस के प्रकार,
आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे या इस नोट्स का पीडीएफ जब लोग आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो इस नोट्स का पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा आज ही। संरचना के आधार पर ठोस के प्रकार, तो संरचना के आधार पे जो ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जिसमें पहला हेडिंग आपका पड़ेगा क्रिस्टलीय ठोस। क्या पड़ेगा? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टली ठोस, या जिसको हम क्रिस्टलाइन भी, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए इसका परिभाषा क्या है। इसका परिभाषा है वे ठोस जिनके कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। वे ठोस जिनके कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। देखिए परिभाषा लिख लीजिए, वे ठोस जिनके कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं वे ठोस जिनके कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या बनेगा? जैसे यानी कल के वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि आप लोग ढेर सारा ठोस जैसे रबड़, प्लास्टिक, मोम, गेंद, लोहा, पत्थर, फिटकरी, चीनी, ये सब इकट्ठा करेंगे और उस पर प्रयोग करेंगे। तो जो जो लोग प्रयोग किए होंगे कि हाँ ये वाला ठोस हमारे हाथ से दब रहा था, ये वाला नहीं दब रहा था, इन दोनों में हमको क्या क्या अंतर मिला, क्या सभी एक ही प्रकार के मिले, तो वो लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हमने चेक किया था। चलिए देखिए क्रिस्टली ठोस का उदाहरण क्या है। हीरा क्या हो गया? सबसे महंगी धातु हीरा हो गया। क्वार्टज, फिटकरी, चीनी, नमक, ये सब हमारे क्या है? क्रिस्टली ठोस है। क्या है? क्रिस्टली ठोस। और इसका संरचना की बात होगा तो इनके कण क्या होते हैं? एक निश्चित क्रम में, जैसे देखिए निश्चित क्रम मतलब ऐसे व्यवस्थित होंगे, देख लीजिए ये एक निश्चित क्रम में इनके कण क्या है? व्यवस्थित है। देखिए एक कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, नहीं ये कहलाते हैं क्रिस्टली ठोस। अब दूसरा हेडिंग आएगा अक्रिस्टली ठोस। दूसरा हेडिंग क्या है? अक्रिस्टली ठोस। अक्रिस्टली ठोस जिसकी होती एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब अक्रिस्टली ठोस किसे कहते हैं? अब इसका परिभाषा है वे ठोस जिनके कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगा? वे ठोस जिनके कण निश्चित क्रम में नहीं व्यवस्थित नहीं होते हैं, व्यवस्थित नहीं होते हैं अक्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लास्टिक, ग्रेफाइट, शीशा, प्लास्टिक, ग्रेफाइट, शीशा, मोम, बहुलक, जितने भी बहुलक होते हैं ये सब क्या हैं?
अक्रिस्टलीय ठोस। अब बात आएगी कि इनके कण निश्चित क्रम में नहीं व्यवस्थित है, तो मतलब जैसे देख लिए, यानी निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, यानी कैसे भी ये व्यवस्थित नहीं है। इसका मतलब आप लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। आप मिठाई का डिब्बा ले लीजिए, उसमें लड्डू रखना हो, क्या रखना हो, लड्डू रखना हो, तो लड्डू को जब रखेंगे तो क्या करेंगे, जब मिठाई के डिब्बे में लड्डू रखेंगे तो एक क्रम से रखेंगे कि नहीं, और जब क्रम से रखेंगे तो वो जो ठोस कहलाएगा कौन सा ठोस कहलाएगा, क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस कि एक बड़ा सा गोल सा डिब्बा ले लीजिए और उस डिब्बे में लड्डू को भर दीजिए, जब उस डिब्बे में लड्डू को भरेंगे तो हम बता नहीं सकते कितना लड्डू भरा गया है, कि बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो सब किसी के ऊपर नीचे ऐसे व्यवस्थित रहेगा, यानी निश्चित संरचना नहीं बनेगी, तो वो कहलाएगा कौन सा ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। इस प्रकार क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, आपके विकल्प के रूप में ये प्रश्न आता है कि इसमें से एक विकल्प दे देगा, कहेगा बताइए कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है, कौन सा या निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, या निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है। इस प्रकार क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस संरचना के आधार पर दो प्रकार हो गए। अगला हेडिंग है आपका क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के गुणों में अंतर लिखिए, या कभी कभी पेपर में आता है क्रिस्टलीय ठोस के गुण लिखिए और अक्रिस्टलीय ठोस के गुण लिखिए। तो एक ही प्रश्न के माध्यम से आपका दो प्रकार का प्रश्न तैयार होगा। चलिए देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के गुण, इसमें पहला नंबर है इनके कण की परिसर व्यवस्था निश्चित होती है। बताया गया है परिसर व्यवस्था मतलब कि इनके कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। दूसरा नंबर है इनके कणों की परिसर व्यवस्था दीर्घ होती है। दीर्घ होती है मतलब ये त्रिविमीय दिशाओं में व्यवस्थित होकर एक निश्चित संरचना बनाते हैं। इनका क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका क्वथनांक और गलनांक दोनों निश्चित होता है। क्वथनांक मतलब कि ये अगर इनको दरों के रूप में बना दिया जाए तो कितने ताप पर ये उबलेंगे। गलनांक मतलब किसी ठोस को गलाने के लिए कितने ताप की आवश्यकता पड़ेगी, तो गलनांक हो गया। तो इनका क्वथनांक और गलनांक दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। फिर ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये तो बहुत पूछा जाता है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय वाले ठोस क्या होते हैं, वास्तविक ठोस नहीं होते हैं। फिर ये विषम दैशिक, अब ये भी याद रखना, विषम यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कौन सा गुण प्रदर्शित करते हैं, विषम दैशिक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या मतलब है कि इसमें जो क्रिस्टलीय ठोस जिससे जिससे मिलकर बने रहेंगे उसमें प्रत्येक कण का गुण एक समान नहीं रहेगा, प्रत्येक कण का गुण एक समान नहीं रहेगा। जैसे आपका एग्जांपल क्या हो गया, हीरा, ग्रेफाइट, चीनी, फिटकरी, नमक, ये हो गए क्रिस्टलीय ठोस, और ये है आपका क्या, अक्रिस्टलीय ठोस का गुण, इसी का लगभग उल्टा होता है। अक्रिस्टलीय ठोस के गुण में क्या है, इनके कणों की परिसर व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, इनके कण की परिसर व्यवस्था लघु होती, यानी अक्रिस्टलीय ठोस का लघु होता है और क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है, दीर्घ। अक्रिस्टलीय ठोस का क्वथनांक और गलनांक निश्चित नहीं होता है, ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं। ये जो कांच, प्लास्टिक, बहुलक, प्लास्टिक नहीं लिखा गया है, प्लास्टिक, बहुलक, ये सब क्या होते हैं, ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं। ये समदैशिक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, यानी एक से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बने रहेंगे लेकिन सबका गुण क्या रहेगा, एक समान रहेगा, सबका गुण कैसा रहता है, एक समान रहता है। इस प्रकार क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के गुणों में अंतर हो गया, या क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर हो गया। अब आप लोग पहचान कैसे करेंगे कि हाँ, आपको ढेर सारा पदार्थ दे दिया जाए और उसमें कहेंगे कि आप पहचान करिए कि कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है, कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, तो इसकी पहचान की सबसे बड़ी विशेषता है जिसको पकड़ो हाथ में और लगे कि हाथ में चुभन महसूस कर रहा है, हाथ में दाबने पर दबे ना और चुभन सा महसूस करे, तो वो होता है आपका कौन सा, क्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है,
क्रिस्टली ठोस। जैसे आप फिटकरी ले लो, उसको दाबोगे तो लगेगा कि हाथों में चुभ रहा, हाथों में कांटों की तरह चुभ रहा है और दब नहीं रहा है। चीनी ले लोगे तो वही बात आएगी, हाथों में चुभेगा, दर्द करेगा और दबेगा नहीं। हीरा ले लोगे तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है ही, वो तो और नहीं दबेगा। लेकिन आकृष्टित हो, जैसे आप मोम ले लो तो मोम को दाबोगे, वो आकृष्टित ठोस है मोम, तो मोम को दाबोगे तो दबेगा और वो उसके साथ खेलने का मन करेगा कि दाब रहे हैं, दब रहा है तो और दबाएं। गेंद ले लो, रबड़ ले लो, रबड़ भी क्या होता है इसका एग्जाम्पल है, क्या है, रबड़। रबड़ ले लो, उसको दाबोगे तो और दबेगा कि नहीं दबेगा, दबेगा और हाथ में चुभन है नहीं महसूस करेगा, तो ये क्या है, आकृष्टली। जो क्रिस्टली ठोस होगा नहीं दबेगा नहीं, हाथ में चुभन महसूस होगा। आकृष्टली ठोस, हाथ में चुभन दाबोगे तो हाथ में चुभन नहीं महसूस होगा और दबेगा या लगेगा कि दब रहा है भले दबे ना। इस प्रकार क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस है, हो गया। आप लोग इसको लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला बताते हैं बंधों के आधार पर ठोस के प्रकार। इस प्रकार अगला हेडिंग है बंधों के आधार पर ठोस के प्रकार। तो हम जानते हैं बंध के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, चार प्रकार के। इसके पीछे हेडिंग बताया गया कि संरचना के आधार पर ठोस के, संरचना के आधार पर ठोस के प्रकार तो दो प्रकार के, क्रिस्टली और अक्रिस्टली। लेकिन जब बंध के आधार पर पूछेगा कि बंध के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो बंध के आधार पर ठोस चार प्रकार के होते हैं। पहला ठोस है आयनिक ठोस, दूसरा है आणविक ठोस, तीसरा है सहसंयोजक ठोस और चौथा है धात्विक ठोस। अभी आपके पेपर में इनसे प्रश्न कैसे आता है, आपके पेपर में प्रश्न इनसे आता है कि उदाहरण दे देगा, जैसे हीरा दे दिया, सोडियम दे दिया, कैल्शियम दे दिया, ग्रेफाइट दे दिया, सीसा दे दिया और कहेगा कि इसमें से बताइए कौन सा धात्विक ठोस है या इनमें से कौन सा आयनिक ठोस है, ऐसे आता है। या सबका मिक्स उदाहरण दे दिया और कहेगा छांटिए इसमें कौन किस प्रकार का ठोस है, यानी कौन सा आयनिक ठोस है, कौन सा धात्विक ठोस है, कौन सा आणविक ठोस है, कौन सा परमाणविक ठोस है, इस प्रकार छांटने के लिए कहेगा। तो बंधों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के हो गए, चार प्रकार के। बंधों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के, चार। पहला हेडिंग है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस मतलब बंध दो प्रकार के हो, तीन प्रकार के होते हैं, सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी और उपसहसंयोजी, ठीक ना, ये तीन प्रकार के बंध होते हैं। तो आयनिक ठोस का परिभाषा है वे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं और जिनके आयन वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। देखिए, वे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं और जिनके बीच आयनिक बंध पाया जाता है, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे NaCl, NaCl मतलब Na पर प्लस जाएगा, Cl पर माइनस। KCl मतलब K पर प्लस जाएगा, Cl पर माइनस। CsCl मतलब CS पर प्लस, Cl पर माइनस। Al2SO4 इसको जब हम आयन के रूप में बनाएंगे तो 2Al पर 3 प्लस जाएगा और 3SO4 पर 2 माइनस जाएगा। देखो ये आयनों के रूप में टूट रहे हैं कि नहीं, यानी आयनों से मिलकर बने होते हैं। तो ये किस प्रकार के ठोस हो गए, आयनिक ठोस। आणविक ठोस किसे कहते हैं, इसका परिभाषा है वे ठोस जिनके परमाणु वांडरवाल बल द्वारा, जिनके परमाणु वांडरवाल बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उसे हम आणविक ठोस कहते हैं। जैसे देखिए परिभाषा लिखा गया, वे ठोस जिनके परमाणु वांडरवाल बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उसे आणविक ठोस कहते हैं। जैसे S8 सल्फर के दो बहुलक वो अपर रूप होते हैं, एक होता है रोम्बिक सल्फर, एक होता है मोनोकलाइनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर का होता है S8, मोनोकलाइनिक का होता है केवल S। तो इसमें देखें 8 परमाणु, आप देखिए सल्फर कितने परमाणु आपस में जुड़े हैं, 8 परमाणु, तो ये कौन सा हो गया, रोम्बिक सल्फर, और एग्जाम्पल है किसका, आणविक। इसी प्रकार सफ़ेद फॉस्फोरस में फॉस्फोरस कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु है, तो ये कौन सा ठोस है, आणविक ठोस। I2 माने आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है, जो नमक में पाया जाता है, तो यह है आणविक ठोस। तीसरा हेडिंग है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, तो इसका परिभाषा है वे ठोस
इसका परिभाषा है वे ठोस जिनके परमाणु सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। और प्रकृति में सबसे ज्यादा सहसंयोजक ठोस के ही एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे देखिए हीरा, हीरा यानी कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का क्या है अपर रूप है, ये जब त्रिबीमी हीरा यानी कार्बन जब त्रिबीमी संरचना बनाता है तो वो हीरा हो जाता है और उसमें कौन सा बंध पाया जाता है सहसंयोजी बंध पाया। ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर है जब द्विबीमी संरचना बनाता है। सिलिकन कार्बाइड यानी क्वार्टज, सिलिकन कार्बाइड ये क्या है क्वार्टज। SiO2 यानी सिलिका, सिलिका ऑक्साइड यानी किसका सूत्र है सिलिका, इसमें भी कौन सा बंध पाया जाएगा सहसंयोजी बंध, और इसका एग्जाम्पल क्या, किसका एग्जाम्पल है ये सहसंयोजक ठोस का। चौथा है धात्विक ठोस, धात्विक ठोस मतलब जो खुद अकेले रहेगा यानी वे ठोस जो धातु के बने होते हैं, यानी ऐसा ठोस जो केवल किसका बना होता है धातु का बना होता है उसे हम धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे और इनके बीच में धात्विक बंध पाया जाता है, इनके बीच में कौन सा बंध पाया जाता है धात्विक बंध पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं धात्विक ठोस। जैसे सिल्वर Cag मतलब सिल्वर, Au मतलब सोना, Cu कापर, Cu कापर हो गया, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, या जितने भी मिश्र धातुएं होती हैं इसके अंतर्गत और क्या आ सकता है मिश्र धातु, जितने भी मिश्र धातुएं होते जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, गन मेटल हो गया, ये सब मिश्र धातुएं हैं वो भी किसके अंतर्गत आएंगे धात्विक ठोस के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि मिश्र धातु माने दो प्रकार, दो से अधिक प्रकार के धातु आपस में जुड़े हुए हैं और धात्विक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। इस प्रकार बंधों के आधार पर चार प्रकार के ठोस हो गए। अब इसके बाद अगले वीडियो में यानी जिसका पार्ट 3 आएगा उस पार्ट 3 में आप लोगों को क्रिस्टलीय जालक, क्रिस्टलीय जालक के आधार पे एकक कोष्ठिका के प्रकार SCC, BCC, FCC, समन्वय संख्या कैसे निकाला जाता है, घनत्व कैसे निकाला जाता है, ये सब आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा जिसका नाम रहेगा ठोस अवस्था का पार्ट 3 या लेक्चर 3। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और बैच 2024 के टॉपर बैच से जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप करिए या हमें कॉल करिए, पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। और यदि आप लोग टॉपर बैच से जुड़ते हैं चाहे फ्री में जुड़िए चाहे 99 रुपया देकर जुड़िए, दोनों प्रकार से यदि आप लोग जुड़ते हैं तो 99 रुपये वालों को अलग फ़ायदा है कि उनको पूरा नोट्स जो लगभग 150 पेज का नोट्स है उनको नोट्स मिलेगा और वो नोट्स जब तक ले केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक ले काम है आएगा। 99 रुपया में कुछ नहीं मिलता आज के युग में, आज के समय में 99 रुपया में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम पूरे साल भर की केमिस्ट्री 99 रुपये में आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और वो भी आप लोग नहीं देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, फ्री में आप लोगों तक व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचता रहेगा, आप लोग हमें व्हाट्सएप करेंगे हम आपको व्हाट्सएप करेंगे और सब कुछ फ्री में मिलता रहेगा। अब पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में एक नए वीडियो के साथ पार्ट 3 के रूप में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।